हाय गाइस, स्टार्ट कर दे पढ़ाना। और क्या है कल देखो, हमने अभी तक हमारा लेसन नंबर सेकंड में एक ही टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट तो हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, दूसरा टॉपिक स्टार्ट थे एंड्रोसियम एंड द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टामेन। स्टामेन हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज एंथर, सेकंड वन इज फिलामेंट। फिर हमने एंथर की स्ट्रक्चर को बनाया था या 3D डायग्राम बनाया था। एंथर को हमने डेई सेंस्ड एंथर का डायग्राम बनाया। फिर एंथर में पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बना, वो पूरा डिस्कस कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया मेल गैमेटोफाइट का पूरा। बस एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का कितना लाइफ टाइम होता है भैया, उसका कितना लाइफ होता है ये बताएंगे भैया। सो आवर टुडेज टॉपिक इज वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। देखो कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बोल दो इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन भी पढ़ा था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कंप्लीट एज अकॉर्डिंग टू RBSE एंड एज वेल एज CBSE के पूरा अपन अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब हमारी ये वियबिलिटी बता रहे भैया, जो सीरियल्स होते हैं उनमें तो वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन होती है नॉट मोर देन 30 मिनट्स। जैसे वीट है, राइस है, सीरियल्स तो यही होते हैं। देखो यहाँ पर बताइए, फर्स्ट पॉइंट वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स क्या होते हैं भैया, वीट बोल दो, राइस बोल दो, इसमें 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट्स की वियबिलिटी होती है, इनकी लाइफ होती है इतनी सी। और इसके पहले पहले, इसके बिफोर, ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर और फीमेल गेमिटोफाइट पर पहुंच जाना चाहिए, और नहीं तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। नाउ द सेकंड पॉइंट, वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन विशेष सच फैमिलीज बता रहे भी, फैमिलीज ऑफ प्लांट्स इन रोजेसी। रोजेसी एलवेजर लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी। देखो इन सभी के अंदर ये फैमिलीज हैं, फैमिलीज इसमें होती है मंथ टू ईयर, मतलब कुछ मंथ से लेकर के ईयर तक भी होती है भैया। तो वियबिलिटी जो होती है, देखो यहां पर बताया गया वियबिलिटी मीन्स लाइफ पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन। तो वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन इन सीरियल्स लाइक एज वीट एंड राइस इज 30 मिनट्स, एंड द अदर फैमिलीज लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलनेसी, इनके अंदर वियबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन कितनी होगी, मंथ्स टू ईयर्स, कई ईयर्स भी होती है। तो देखो यहां पर ये बताया। नाउ द थर्ड पॉइंट, वियबिलिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब देखो वियबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक तो हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, जैसे अभी हो रहा है ना भैया, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो रहा है वैसे तो, पर टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो उसके ऊपर डिपेंड करती है वियबिलिटी। वियबिलिटी मीन्स लाइफ पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन। फिर देखो हम यहां पर फोर्थ पॉइंट बोलेंगे भैया,
अब आप चाहते हैं कि हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर दें, स्टोरेज कर दें। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, देखो आज हम क्या है पोलन ग्रेन को स्टोर कर लें और उसका यूज करें हम 2-3 ईयर्स के बाद, 2 और 3 ईयर आफ्टर हम इसका यूज करें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए एक टेक्निक होती है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, -196 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस होती है उसमें स्टोर करते हैं। तो देखो इसमें फोर्थ पॉइंट क्या आएगा वो देखना भी है, इसमें देख लो यहाँ पर, इसमें पोलन ग्रेन आर स्टोर। देखो यहाँ इसकी लैंग्वेज चेंज कर दे, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन, क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सिंपल सी लैंग्वेज अपन शो कर रहे हैं इसके अंदर। देखो यहां पर क्या होगा, स्टोरेज ऑफ पोलन पोलन ग्रेन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब जो टेक्निक होती है इसमें क्या होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसके अंदर, -196 डिग्री टेम्परेचर। इस टेक्निक में यही टेम्परेचर होता है। तो दूसरा जो होता है भी इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। तो हाउ यू कैन प्रिजर्व द पोलन ग्रेन्स और स्टोर द पोलन ग्रेन बाय द टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, भी नीट में भी आ चुकी है। और इस टेक्निक में किसका यूज करते हैं, -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है और इसमें पोलन ग्रेन को रख देते हैं। एंड दे में भी पोलन ग्रेन में भी स्टोर्ड 4-5 to 6 ईयर्स। अब ऐसे स्टोर करोगे तो इसमें क्या होगा, यदि कोई क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अरे जैसे नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें क्या होता है जो मेल होता है मेन होता है उसके स्पर्म को स्टोर कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, स्टोर या प्रिजर्व कर लेते हैं लंबे समय के लिए, 4-5 ईयर्स के लिए। फिर जब भी उसके ह्यूमन की जो स्पर्म की आवश्यकता होती है, उसकी नीड होती है, तो स्पर्म निकाल करके जो फीमेल होती है उसके एग के साथ में उसका फर्टिलाइजेशन करते हैं टेस्ट ट्यूब में। ऐसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है। अब क्रॉप ब्रीडिंग में क्या होगा, हमारे पास भैया फीमेल फ्लोवर तो है पर हमारे को हाई क्वालिटी के पोलन ग्रेन चाहिए। तो जो भी हाई क्वालिटी के पोलन ग्रेन होंगे उनको अपन स्टोर करेंगे बाय द टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। वेरी यूजफुल टेक्निक है, पोलन ग्रेन में भी स्टोर्ड बाय द टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। और इस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में कितना टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और कौन सी गैस है इसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। तो ये पूरा बताया गया वीएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, दिस इज ऑल अबाउट द वीएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। देखो बहुत सिंपल सा बताया गया, नॉर्मली जो सीरियल्स होते हैं वीट एंड राइस, इसमें वीएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन कितना होता है, 30 मिनट्स। बट इन रोजेसी लेग्यूमिनोसी सोलनेसी फैमिली में इनका जो वीएबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की, ये मे भी होती है मंथ टू ईयर होती है। और वीएबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी,
देखो, फिर जो यहाँ पर पोलन स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन बाय द क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, अब पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर रहे हैं, पॉसिबल है ऐसा, और इसको हाई क्वालिटी के पोलन ग्रेन स्टोर कर लेंगे ताकि बाद में किस काम आएगा, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। यदि आप न्यू क्रॉप्स चाहते हो तो उसमें भैया हाई क्वालिटी के पोलन ग्रेन को तो स्टोर करना ही पड़ेगा, जब उनकी नीड होगी उसका यूज कर लेंगे। और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में -196 डिग्री टेम्परेचर है और लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, इसमें इसको स्टोर कर देंगे प्रिजर्व किया, एंड स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, जल्दी ले लिया करो स्क्रीनशॉट यार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो नहीं, तो अब हमने कंप्लीट कर लिया, एक छोटा सा टॉपिक था आज, हमने कंप्लीट कर लिया क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, क्या था एंड्रोसियम, उसकी यूनिट स्टामेन, फिर स्टामेन हैव टू पार्ट्स, वन इज एंथर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट, फिर हमने एंथर की स्ट्रक्चर बनाई, एंथर में हमने पढ़ा था चारों कॉर्नर पर पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या था पोलन सैक्स, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने माइक्रोस्पोर टेट्राड्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, फिर वो जो माइक्रोस्पोर थे टेट्राड वो केलोज वॉल के द्वारा एसोसिएटेड थे, जब वो सारे अलग अलग हो गए, माइक्रोस्पोर चार बने थे टेट्राड वो अलग हो गए तो बन गया पोलन ग्रेन, और कल हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप हुआ। सो हाउ मैनी न्यूक्लियस फाउंड इन द मेल गेमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, only three nucleus, three cells, one is vegetative cell and two other is male gametes, यही पढ़ा था हमने और आज हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम यहां से पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हमारा फिर से वापस नया सा टॉपिक शुरू होगा, वही उसका डिस्क्रिप्शन चलता रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइनोसियम, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है भैया कार्पल और पिस्टिल, कार्पल भी बोल सकते हैं पिस्टिल भी बोल सकते हैं इसको, और इसके अंदर होती है भैया देखो एंड्रोसियम में क्या था स्टामेन, वहां था माइक्रोस्पोरेंजियम और यहां पर है मैक्रोस्पोरेंजियम, एंड्रोसियम के अंदर क्या था माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक्स और यहां पर क्या है मैक्रो बड़ी साइज में, तो यहां बोलेंगे भैया इसके अंदर ये मैक्रोस्पोरेंजियम, तो ये हमारा टॉपिक है पूरा देख लो। और देखो माइक्रोस्पोरेंजियम उसको आल्सो नोन एज पोलन सैक्स, बट द मैक्रोस्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज ओव्यूल्स, ये ओव्यूल। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा भी इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, ये सारे कनेक्टेड हैं। देखो फर्स्ट वन तो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम, एंड गाइनोसियम की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पल्स, और फिर कार्पल्स हैव मैक्रोस्पोरेंजियम, जैसे हमने पढ़ा था भैया स्टामेन हैव माइक्रोस्पोरेंजियम, तो यहाँ क्या है मैक्रोस्पोरेंजियम, एंड मैक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल्स, और इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा इनसाइड एम्ब्रियो से, तो ये हमारा मेजर टॉपिक है भैया पूरा का पूरा। नेक्स्ट थ्री और फोर डे तक यही स्टडी करेंगे अपन, देख लो इसके अंदर पढ़ने जा रहे भी इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट गाइनोसियम इज
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो यहाँ पर गाइनोसिम क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये तो सिंपल इतना सही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गाइनोसियम, मेल वाला क्या था एंड्रोसियम और फीमेल वाला गाइनोसियम। और गाइनोसियम के जो यूनिट होती है वो होती है भैया इसके अंदर पिस्टिल और कार्पल एंड गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पल्स। अब गाइनोसियम किससे कंसिस्ट हो रहा है भैया, पिस्टिल और कार्पल्स। और यू कैन से यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज, देखो यहां पर गाइनोसियम में बहुत सारे पिस्टिल्स है पर उसकी यूनिट क्या है, यूनिट तो पिस्टिल ही हुई ना। सो वी कैन से द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पल और पिस्टिल। तो देखो यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है यहां पर गाइनोसियम और उसकी यूनिट यूनिट क्या भी ऐसे ना पिस्टिल और कार्पल। और यू कैन से गाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ मेनी पिस्टिल और वन पिस्टिल और कार्पल्स। तो देखो इतना सा बोला ये फर्स्ट पॉइंट, देखो फर्स्ट पॉइंट इतना सा ये भी है। देखो इसके अंदर यदि इसमें एक ही पिस्टिल होगा, यदि गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल होगा तो उसे कहेंगे मोनो कार्पिलरी और मेनी पिस्टिल्स होंगे तो कहेंगे मल्टी कार्पिलरी। देखो सेकेंड पॉइंट, देखो सेकेंड पॉइंट भी बहुत सिंपल है। व्हेन गाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ गाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ वन पिस्टिल, बताओ अब इसको क्या कहोगे, एक ही पिस्टिल है एक ही कार्पल है तो इसको अपन क्या कह सकते भैया, दिस इज नोन एज मोनो कार्पिलरी। तो देखो ये मोनो कार्पिलरी स्टेज है यहां पर ये, और यहां बताएंगे एंड व्हेन गाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टिल, तो बताओ इस स्टेज को क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी। देखो यदि गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल है तो यू कैन से मोनो कार्पिलरी, और यदि मोर देन वन पिस्टिल है, देखो गाइनोसियम में मोर देन, देखो यूनिट ऑफ गाइनोसियम क्या है पिस्टिल, और यदि एक ही पिस्टिल है तो उसको कहेंगे अपन मोनोकार्पिलरी, और मोर देन वन है तो क्या कहेंगे, मोर देन वन पिस्टिल देन यू कैन से इट इज मल्टी कार्पिलरी स्टेज। तो ये तो यूनिट है, देखो यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज पिस्टिल, और यदि एक ही पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, और यदि मोर देन वन है तो इसको क्या कहेंगे मल्टी कार्पिलरी स्टेज। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया अभी इसके अंदर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखो यदि मोर देन वन पिस्टिल है तो देखो यहां बताया था इस तरह से ये पिस्टिल एक हो गया भैया मोनोकार्पिलरी, एंड सेकंड वन इज मल्टी कार्पिलरी। पिस्टिल के यहाँ पर दो टाइप बता रहे हैं इसके अंदर,
देखो यदि मोनो, यदि मोनो पिस्ट ले तो मोनो कार्पिलरी, और यदि मोर देन वन है तो मल्टी कार्पिलरी। अब देखो एक से ज्यादा पिस्टिल्स हैं, यदि वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मतलब मिल गए आपस में, देखो इसकी भी कंडीशन बता रहे भैया, ये हो जाएगा मोर देन वन पिस्टिल। और इसमें क्या आएगा, वन पिस्टिल। और देखो सिंपल सी बात है भैया, इसमें यदि मोर देन वन है, यदि वो सेपरेट है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस। देखो यदि यहां पर मोर देन वन पिस्टल है, यदि वो ज्वाइंट हो रहे हैं, यदि वो फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज टूगेदर है, तो उसका नाम हो जाएगा ये क्या, सिनकार्पस। यदि ज्वाइंट है तो सिनकार्पस, और यदि सेपरेट है तो उसका नाम हो जाएगा एपोकार्पस। तो दिस इज ऑफ टू टाइप। वन इज एपोकार्पस एंड सेकेंड इज सिनकार्पस। तो इसके भी दो टाइप हो गए, देखो यहां पर ये दो टाइप हो गए। अब यदि ये सेपरेट होंगे तो एपोकार्पस कहेंगे। देखो इसमें क्या होगा, पिस्टल्स आर फ्री और सेपरेट। देखो पिस्टल्स आर फ्री और सेपरेट, अलग अलग है बिल्कुल, ज्वाइंट नहीं है। यहां बताएंगे क्या, पिस्टल्स आर फ्यूज्ड टूगेदर। तो देखो यहां बताया भी, इसमें पिस्टल्स जो होते हैं, यदि किसी फ्लोवर में, यदि गाइनोसियम के अंदर एक ही पिस्टल है, एक ही कार्पल है, ओनली वन कार्पल, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोकार्पिलरी। और मोर देन वन पिस्टल है तो ये हो जाएगा मल्टी कार्पिलरी। और यदि मोर देन वन है, और यदि वो सेपरेट है, फ्री है, तो उसे कहेंगे एपोकार्पस पिस्टिल। और यदि वो फ्यूज हो रहे हैं, मोर देन वन पिस्टिल है और वो फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज टुगेदर, तो उसको कहेंगे सिनकार्पस। मतलब एक मोनोकार्पस हो गया और एक सिनकार्पस हो गया। देखा देख लो भैया, इसका एग्जाम्पल देख लो भैया, इसमें एग्जाम्पल आएगा भी, इसमें माइचेलिया, माइचेलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द एपोकार्पस। और इसका एग्जाम्पल भी यहां पर पेपेवर। अरे पेपेवर नहीं जानते हो क्या आप, अफीम मॉर्फिन वही वाला। तो देखो ये पूरा का पूरा हमने पूरा बताया भी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये पूरा का पूरा हमने कवर किया भी, देखो यहां से लेके पूरा बताया भी इसके अंदर, देख लो भी हम यहां देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भी इसका। और मोनोकार्पिलरी का यदि सुनना है तो इसमें एग्जांपल आएगा पीज, है वीट है राइस है, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन एक ही एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो, ओके डियर, ओके ओके ओके। तो देखो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट किया, दैट इज द गाइनोसियम, एंड द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पल और पिस्टिल। और फिर पिस्टिल के अंदर क्या पढ़ेंगे भैया, जैसे हमने एंड्रोसियम के अंदर स्टामेन, स्टामेन में माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ेंगे, मैक्रोस्पोरेंजियम, इट इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल।
फिर ओव्यूल के इनसाइड क्या होगा एम्ब्रियो से, तो ये पूरा हमने कवर किया अभी हमने, और सभी के एग्जांपल्स भी होंगे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इसके बाद बोलेंगे भी इसमें थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट वन तो यहाँ बता रहे भी है इसके अंदर एक ये गाइनोसियम का हम डायग्राम बना रहे भी है। ये गाइनोसियम का डायग्राम शो कर रहे भी है। देखो ये चाइना रोज का गाइनोसियम शो कर रहे हैं, द गाइनोसियम ऑफ चाइना रोज, वो नहीं देखे चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल चाइना रोज है, इट इज नॉट ए रियल ट्रू रोज, चाइना रोज। अब देखो चाइना रोज में क्या होता है, इसमें देखो ऊपर की तरफ साइड में देखो ये फाइव पार्ट्स डिवाइड कर रहे भी है। देखो चाइना रोज का जो गाइनोसियम होता है, इसका पूरा गाइनोसियम बताया। देखो दिस इज द ओवरी एंड दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल, दीज ऑल आर स्टिग्मा। देखो गाइनोसियम की यूनिट तो है पिस्टिल, और पिस्टिल हैव थ्री पार्ट्स। देखो वहां हमने स्टामेन हैव टू पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट, और यहाँ क्या है गाइनो यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज पिस्टिल एंड पिस्टिल हैव थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कौन कौन से, देखो जो नीचे जो बल्ब शेप में है जो स्वेलन पार्ट है दैट इज नोन एज ओवरी, एंड स्टाइल क्या भी है इलोंगेटेड पार्ट है, लंबा सा पार्ट है, और ये जो लास्ट पार्ट है ये दिस इज नोन एज स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा रिसीव करेगा। अरे अपने रेलवे स्टेशन पे कोई आता है उसको रिसीव करने जाते हैं ना भैया, तो बताओ यहाँ पर पोलन ग्रेन को रिसीव कौन करेगा, इट इज द प्लेटफॉर्म टू रिसीव द पोलन ग्रेन। तो देखो यहाँ पर हमने ये शो किया भी है इसके अंदर ये हिबिस्कस का पिस्टिल है यहाँ पर ये, चाइना रोज और हिबिस्कस। पिस्टिल ऑफ चाइना रोज और हिबिस्कस, इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये इसका पिस्टिल बताया भी है देखो, तो ये इसके सारे पार्ट्स हो गए, और जो ओवरी के नीचे का पार्ट है दिस इज नोन एज थैलेमस। तो ये पिस्टिल ऑफ चाइना रोज और हिबिस्कस, तो इसका ये पिस्टिल पूरा कवर कर लिया भी देखो हमने यहाँ पर ये। अरे आवाज आ रही भैया, ओके डियर, ओके ओके ओके। तो ये पिस्टिल ऑफ चाइना रोज है पिस्टिल, अब इसमें कितने पिस्टिल है बताओ, अरे तो गाइनोसियम है, अब इसमें पिस्टिल ऑफ चाइना रोज है कितने पिस्टिल है, जितने स्टिग्मा के पार्ट्स दिख रहे हैं। देखो स्टिग्मा के कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टिग्मा, देयर आर फाइव पार्ट्स। तो ये हो जाएगा भी इसमें फाइव पार्ट्स है, तो ये पेंटा कार्पिलरी मल्टी कार्पिलरी। अब देखो जितने स्टिग्मा के पार्ट्स हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी ओवरी जो होगी इसकी ओवरी में भी फाइव पार्ट्स होंगे। देखो इसमें भी फाइव पार्ट्स शो कर रहे हैं भी आप, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेंटा कार्पिलरी पिस्टल है ये। हाउ मैनी पिस्टल फाउंड इन द हिबिस्कस और चाइना रोज, फाइव पिस्टल आर फाउंड। तो देखो यहाँ पर पांच पिस्टल है, देखो
पांच पिस्टल फाइव पिस्टल कैसे शो हुए। देखो आपको तो यदि एक्सटर्नल शो करना है, यदि आपको एक्सटर्नली शो करना है तो बताओ स्टिक मास में कितने पार्ट है। स्टिक मास में देखो पांच पार्ट है, फाइव पार्ट है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज पेंटा कार्पिलरी। और इसको यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है आपको तो इसके ओवरी में कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेंटा कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। देखो यहां बता रही है इसमें ये मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी पिस्टल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखना भी है इसके अंदर। देखो इसमें क्या होगा, अब इसके भी डायग्राम शो करे भी है। देखो यहां से लेके ये देखो ये तो हो गया थैलेमस। बेस ऑफ एंड फ्लोवर, बेस क्या फ्लोवर का ही तो बेस ही। फिर इसमें शो करेंगे यहां से लेके ये ओवेरी, ये इसकी ओवेरी शो कर दी। देखो यहां पर तो देखो ये नीचे थैलेमस है, ये ओवेरी हो गई। फिर ओवेरी जो होगी इसमें क्या होगा, यहां पर ओवेरी भी होगी। देखो यहां पर ये, अब ये जो ओवेरी होती है इसमें भी मल्टी कार्पिलरी है, पर इसमें जो पिस्टल है वो फ्यूज टूगेदर हो गए भैया, फ्यूज हो गए आपस में। बताओ यदि पिस्टल फ्यूज हो जाएंगे तो ऐसे पिस्टल को क्या कहेंगे, सिनकार्पस पिस्टल। और देखो इसके अपर पार्ट क्या है, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर आल्सो फ्यूज टूगेदर। तो देखो इसमें शो करेंगे यहां से ये, देखो इसमें भी पिस्टल शो हो रहे हैं। देखो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें पिस्टल जो है आपस में फ्यूज हो गए भैया, पिस्टल फ्यूज हो गए। तो देखो यहां आएगा भी इसमें इसके अंदर सिनकार्पस पिस्टल। देखो मल्टी कार्पिलरी तो ये बताओ कितने कार्पिल से, 1 2 3 4 5, ऑल द पिस्टल आर फ्यूज टूगेदर। यदि फ्यूज हो जाएंगे तो देट इज नोन एज सिनकार्पस पिस्टल। ये सिनकार्पस पिस्टल हो गया भैया। एंड एग्जाम्पल इज पेपेवर। अब पेपेवर क्या होता है भैया, पेपेवर सिंपली ये पेपेवर मीन्स, पेपर मीन्स अफीम आती है ना, अफीम जिसे मॉर्फिन सब बनाते हैं। देखो ये हो गया इसमें तो पिस्टल फ्यूज हो गए इसमें। देखो अपर पार्ट क्या है ये वाला, दिस इज स्टिग्मा। एंड नाउ द नेक्स्ट डायग्राम, अब देखो इसमें डायग्राम शो करने वाले भी, देखो इसके अंदर नेक्स्ट डायग्राम शो करने वाले। देखो इसमें पिस्टल्स तो है मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी पिस्टल, पर सारे पिस्टल जो है वो सेपरेट हैं। अब सेपरेट होंगे तो क्या कहेंगे, इसमें सेपरेट हो जाएंगे तो क्या कहेंगे इसको, दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस, एपोकार्पस पिस्टल। देखो पहले तो हमने मल्टी कार्पिलरी पिस्टल बताया भी है इसके अंदर, उसके थ्री पार्ट शो कर दिए। आप कैसे आईडिया लगाओगे इसमें हाउ मेनी पिस्टल है इसके अंदर। देखो यहां पर जितने स्टिग्मा के पार्ट थे, 1 2 3 4 5, एक्सटर्नल कंडीशन को देख करके हम बोल सकते हैं कि इसमें पेंटा कार्पली पिस्टल है, 5 पिस्टल। और इसमें भी देखो पेंटा कार्पली है लेकिन इसमें फ्यूज हो गए, देखो आपस में फ्यूज हो गए सब। तो दिस कंडीशन इन्होंने सिनकार्पस पिस्टल। एंड एग्जाम्पल इज पेपेवर। नाउ द थर्ड कंडीशन, अब देखो इसमें क्या होगा, पिस्टल जो होंगे इस तरह से होंगे। देखो
देखो इतने सारे पिस्टल है, ये इतने सारे पिस्टल है, ये सारे देखो पिस्टल जो है वो सेपरेट है भैया, उसमें ज्वाइंट नहीं हो रहे भैया। तो ये पिस्टल है यहाँ पर देखो, ये सारे पिस्टल जो है सब सेपरेट हो रहे हैं। तो देखो सिंपल सी कंडीशन बताई गई है, एन एग्जांपल ऑफ एपो कार्बन पिस्टल इन माई केरिया। अरे माई केरिया क्या होता है वो नहीं सुना हमने? चंपा चमेली, चंपा एंड चमेली, दिस इज चंपा एंड द कंप्लीट नेम इज माई केरिया चंपा का, चंपक लाल नहीं चंपा का, चंपाए भी यही। तो देखो ये तीन डायग्राम हमने शो कर दिए, देखो इसके अंदर तीन डायग्राम शो कर दिए। फर्स्ट वन इज द चाइना रोज पिस्टल ऑफ चाइना रोज, सेकंड वन इज सिन कार्बस पिस्टल ऑफ पेपेवर, थर्ड वन इज एपो कार्बस पिस्टल ऑफ माइचेलिया। ये सारे पिस्टल हमने शो कर दिए भैया, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट कवर कर लो, कर लिया कवर। तो देखो हमने गाइनोसियम पढ़ लिया, कार्पल पढ़ लिया। अब कार्पल मीन्स पिस्टिल, हाउ मेनी पार्ट्स है कार्पल और पिस्टिल? देर आर थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल कवर कर लेंगे। कवर कर लिया? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके डियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या शो करेंगे वो देखना भी है इसके अंदर। देखो यहां बता रहे भी इसके अंदर, अब देखो पिस्टल जो होगा इसमें कितने पार्ट्स होंगे, तो वो इसके पार्ट शो करने जा रहे भैया। पिस्टल है वो थ्री पार्ट्स, एंड दीज आर एज फॉलो। अब तीन पार्ट्स है देखो पिस्टल के अंदर, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्पाइल, थर्ड वन इज ओवरी। तो देखो फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा। देखो स्टिग्मा क्या होता है भैया इसके अंदर, स्टिग्मा जो है सबसे अपर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल। देखो यहां बताएंगे भैया इसके अंदर टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल। अब ये क्या करेगा भैया, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। देखो अपर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, एंड इट इज इट सर्व द लैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, सर्व द लैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म टू रिसीव द पोलन ग्रेन। तो देखो यहां पर पोलन ग्रेन आके लैंड करेंगे, उसको रिसीव करेगा ही। अरे कोई अपने कोई परिवार में आता है तो उसको लैंड करता है ना भैया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको रिसीव करने आते ना भैया, तो ये रिसीव करेगा किसको? पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएगा भी देखो इसके अंदर, तो फिर बताएंगे देखो इसके अंदर क्या, एंड इट सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। और देखो ये एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है भैया, किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये? इसके ऊपर आएगा भैया पोलन ग्रेन, फॉर पोलन ग्रेन।
तो देखो प्लेट यहाँ पर ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पोलन ग्रेन आएंगे, वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पोलन ग्रेन जो पढ़े हैं आपने। तो देखो इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टल एंड इट सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये कैसे सर्व करेगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंड नाउ द सेकेंड पार्ट स्टाइल। देखो फर्स्ट पार्ट तो स्टिग्मा हो गया, दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा को देख करके ही आप बोल सकते हैं कि इसमें कितने कार्पेल्स है और पिस्टिल है। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया भी स्टिग्मा, अब सेकेंड पार्ट है भी इसके अंदर स्टाइल। अब देखो स्टाइल कैसा भी इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो देखो ये इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल पार्ट भी है इसके अंदर ये वाला। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ पिस्टल। तो देखो ये इलोंगेटेड, देखो ये लंबा सा पार्ट है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है। देखो सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द पिस्टल, तो कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है इसका, इतना सही है। अब बताओ स्टिग्मा के नीचे क्या होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है स्टाइल। तो देखो इट इज इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ पिस्टल, किसके बिलो है, किसके बीनीथ है, बीनीथ मतलब नीचे, बिलो बोल दो, बीनीथ बोल दो, जो आगे बोलो, बीनीथ और बिलो, बीनीथ और बिलो द स्टिग्मा। मतलब बिलो तो बिलो यानी नीचे ही होता है, तो स्टिग्मा के नीचे हो गया भी ये। एंड थर्ड वन इज ओवरी। देखो थर्ड पार्ट है ओवरी। देखो ओवरी क्या होगी भैया, बल्ब पार्ट ऑफ, देखो बल्ब यानी फूला हुआ। तो देखो ये फूला हुआ भी है इसके अंदर, पूरा स्वेलन पार्ट है, तो बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो देखो यहां बताइए पिस्टल है वो थ्री पार्ट एंड दीज आर एज फॉलो, फॉलोइंग बताइए भैया। फर्स्ट बता रहे भैया इसमें स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल, थर्ड वन इज ओवरी, और चाहो तो यहां लिख सकते हैं इसके अंदर इसमें पार्ट्स ऑफ स्टाइल, पार्ट्स ऑफ पिस्टल। ये डायग्राम शो हो गया भैया इसके अंदर। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट कवर कर लो इसका भी। ऐसे लगता है थोड़े दिन बाद बस मैं ही रह जाऊंगा, अभी अपन तीन है नहीं। आज के लिए इनफ है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सभी ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अभी अपन कंटिन्यू रखते हैं भैया। देखो ये पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स हो गए भैया, आज के लिए इनफ है। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।